नमस्ते दोस्तों, मैं सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोले पनीर की रेसिपी। पनीर और छोले खाना तो सबको ही पसंद होता है, तो आज दोनों हम एक साथ बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिया है काबली चना, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था, अच्छे से मैंने धो लिया है। चने को अच्छे से आप दो तीन पानी धो लें। अब इसे उबालेंगे हम, प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है, इसमें डालेंगे हम पानी। आप साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही पानी जो है हम आगे इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर डाल देंगे हम चाय पत्ती, आप चाहें तो खुला चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, या एक सूती के कपड़े में बांध के डाल दीजिए। चाय पत्ती वैसे ऑप्शनल है, आप इसके बिना ही बना सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए है, कलर अच्छा आता है। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक चक्रफूल, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री। अब कुकर को हम बंद कर देंगे। ये मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसे हम दो से तीन सीटी आने देंगे। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने पहले ही काट लिया है पीसेस में, जिसे आप देख रहे हैं। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर पैन रखा है, उसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। अब डालेंगे अपना पनीर जो मैंने काट के रखा था, इसको हल्का कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं। आप चाहें तो पनीर को ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने घी में किया है, घी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए पनीर में हल्का 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 कलर जो है आ चुका है, इसे पलट देंगे हम। बहुत ही हल्का कलर है जिसे आप देख रहे हैं। मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लिया है मैंने। इस तरह सारे पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। अब कुकर खोलते हैं, ये देखिए चने भी उबल गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चने कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो खड़े मसाले जो हैं आप निकाल दें, अभी इसमें छोड़ भी सकते हैं, मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब चने को निकाल लेंगे हम। यहाँ मैं सारे चने को बाल में निकालूँगी, क्योंकि मैं पानी जो है ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी, तो अलग अलग कर लेंगे। खड़े मसाले जो हैं आप निकाल दिया, मसालों में भी पीस सकते हैं, मैंने यह निकाल दिया है। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, उसमें डाला है ऑयल। ऑयल गर्म होती है डाल देंगे हम दो तीन तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले, एक जावित्री, जैसे मैंने लिया है एक जावित्री, बड़ा इलायची, चक्रफूल, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। थोड़ा मसाले को हम छिड़कने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है तेल में आ जाए। साथ ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। यही भी डाल देंगे हम एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। यह मैंने प्याज का भून लिया है, अब यहीं पर डालेंगे हम टमाटर। टमाटर को मैंने पीस के लिया है, आप काट के भी ले सकते हैं बारीक काट के। अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और भून लेंगे। ये देखिए टमाटर जो है अच्छे से भून चुके हैं। यहीं पर कुछ मसाले डालेंगे हम, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हम और इन्हें भून लेंगे। साथ ही में डाल देंगे हम एक चम्मच छोले मसाले, इसे भी मिला लेंगे। कुछ देर बाद देखें मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। यहीं पे पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा हम। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। जैसे हमें पानी मौला आ जाएगा उसमें हम चने डाल देंगे। यहीं पर डाल देंगे अपने हम चने वाला पानी जो मैंने प्रेशर कुकर में डाला था।
पानी थोड़ा कम था तो इसके मैंने थोड़ा सादा पानी भी डाला, स्वाद के अनुसार नमक, एक स्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ काले पानी जो मैं चना वाला था वही डाल के बना लें। 3-4 मिनट तक हम चने से पका लें, चने के साथ पका लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद हम डालेंगे अपने पनीर, पनीर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, तो हमने पनीर को डाल दिया है और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, यहीं पे डाल देंगे हम हरी मिर्च जो मैंने चीरा लगा के लिया है। हरी मिर्च का जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है, मिला लेंगे और 2-3 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए सब्जी जो है दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी, डाल के जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अब गैस को हम बंद कर देंगे। घी का जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर डालें। ये देखिए सब्जी जो है कितना अच्छा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए इसको हम सर्व कर देते हैं, मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसे रोटी पराठे या नान के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और आपको ऐसी भी कोई भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस छोले पनीर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में घंटी का बटन दबाते जाएँ ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।